हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू अग्रवाल आप सभी का अंजू के किचन घर चैनल में स्वागत करती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शाम की चाय के साथ आप बिस्कुट खाते खाते बोर हो गए हैं तो आइए आज हम आटे और मैदे से मसाला नमकीन बनाते हैं, जिसे हम मारवाड़ी में सुहाली कहते हैं लेकिन बहुत लोग इसे मठरी कहते हैं। घर के बनी हुई सुहाली बहुत ही टेस्टी होती है और बिल्कुल फ्रेश होती है, फ्रेश मैदा फ्रेश तेल से बना होता है। तो आइए हम सुहाली बनाना शुरू करते हैं। सुहाली बनाने के लिए मैंने ये 3 कप मैदा लिया है और 1 कप आटा ले रही हूँ। अब इसमें हम नमक डालेंगे। मैंने मेजरिंग कप से आटा लिया है, 3 कप मैदा और 1 कप आटा, तो 4 कप हो गया। उस हिसाब से मैं ये 2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, लेकिन आप जिस भी कप से नाप लेंगे आप उस हिसाब से नमक डालिएगा, नहीं तो नमक आपका तेज़ हो जाएगा। ये 1 टीस्पून मैं गोल मिर्च डाल रही हूँ, इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। देखिए इस तरह का मोटा मोटा, चाय बनाते हैं तो अदरक जिसमें कूटते हैं ना, मैंने उसी में से दरदरा कूट लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून अजवाइन दे रही हूँ, 1/2 टीस्पून काला जीरा, इसे मंगरेला भी कहते हैं, ये थोड़ा मैंने कसूरी मेथी लिया है, इसे भी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। अब सबको आपस में मिला लेंगे। आप चाहें तो केवल मैदा से भी ये सुहाली बना सकती हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए 1 कप मैंने इसमें आटा मिलाया है। और आप इसमें केवल नमक अजवाइन से भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसे मसाला वाला बना रही हूँ इसलिए मैंने कसूरी मेथी गोल मिर्च का दाना सब कुछ दिया है। अब इसे मैंने मिला लिया है और अब हम मोइन के लिए ये 1/2 कप मैंने रिफाइंड लिया है, इसे डालेंगे। मोइन हमारा अच्छा से होगा तभी हमारा मठरी खास्ता बनेगा। इसे सुहाली भी कहते हैं, मठरी भी कहते हैं, लेकिन हम मारवाड़ी लोग इसे सुहाली ही कहते हैं। अब इसे थोड़ा मिला लेंगे। इसे दोनों हाथों से इस तरह से करके मिलाइएगा तभी हमारा ये सुहाली बहुत ही खास्ता बनेगा। ये हमारी बहुत ही खास्ता बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। बाज़ार से हम सुहाली लाते तो हैं लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती है और घर में आप थोड़ा ही मेहनत लगेगा और आप इसे तुरंत बना सकती हैं। देखिए मोइन का पहचान यही है, जब हमारा आटा ये लड्डू जैसा बनने लगे तो समझ जाइए हमारा मोइन परफेक्ट है। और अब हम ये 1 कप पानी लिए हैं, ये नॉर्मल पानी नहीं है, इसे मैंने हल्का गर्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गर्म उतना ही करना है जिसमें आप उंगली डालें और आपकी उंगली सह जाए, बस उतना ही करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये सुहाली का आटा तैयार करेंगे। एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर मैदा हमारा गीला हो गया तो हमारा सुहाली फिर सॉफ्ट नहीं बनेगा। सुहाली बनाने में आपका सारा कुछ आटे पे ही डिपेंड करता है, अगर आपका आटा अच्छा नहीं तैयार होगा तो आपकी सुहाली अच्छी नहीं बनेगी, फिर आप चाहे जितना भी इसमें मोइन डाल दो कुछ भी डाल दो वो अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए इसका डो तैयार करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। सुहाली जब हम बनाते हैं तो जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल आटे का, तो उसका डो एक ही बार में पूरा तैयार करते हैं, लेकिन सुहाली का उस तरह से तैयार नहीं करते हैं। अब जैसे हमारे ये थोड़े थोड़े आटे की बाइंडिंग शुरू हो गई है तो इसे हम देखिए इस तरह से इसकी बाइंडिंग करते जाएंगे और इसे तोड़ते जाएंगे इस तरह से, तभी हमारी ये सुहाली बहुत अच्छी बहुत खास्ता बनेगी। साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटी बड़ी जितनी बड़ी आपको बनानी है। एक बार में इसका डो पूरा तैयार करके नहीं रखते हैं, जैसे जैसे आटा हमारा बाइंडिंग होते जाएगा हम उसकी लोई तोड़ते जाएंगे। देखिए कितना कड़ा टाइट है, इसे लूज़ बिल्कुल नहीं करना है इस आटे को, अगर आपने आटा लूज़ कर दिया तो आपकी सुहाली ख़राब हो जाएगी, फिर वो खास्ता नहीं बनेगा और वो कड़ा कड़ा हो जाएगा। इसमें मेरा 1 कप पानी पूरा लगा था, 1/2 कप मैंने बाद में लिया लेकिन वो पूरा बच गया, सिर्फ इसमें से 2 टेबल स्पून पानी और लगा है, 1 कप और 2 टेबल स्पून करीब। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए आटा हमारा इतना कड़ा है कि इसे ऐसे करती हूँ तो ये किनारे से ये फट जाता है। हमारे सारे आटे की बाइंडिंग हो गई है, सारा लोई मैंने तोड़ के तैयार कर लिया है। अब हम
एक लोई लेंगे, इस लोई को चिकना नहीं करेंगे, इसे बस डायरेक्ट उठाएंगे और इस तरह से इसे बेलेंगे। सुहाली पूरा चिकना कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये हमारे किनारे में इस तरह से रहेगी थोड़ी फटी फटी, तभी हमारी सुहाली अच्छी लगेगी। इस तरह से हम सबको बेलेंगे और थोड़ा मोटा ही रहने देंगे, खूब ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है, मोटाई कम से कम इतनी ही रखिएगा, इससे पतला नहीं करना है। और एक साइड गैस पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, उसमें तेल गर्म होने के लिए, इसे हम बेल लेते हैं। बस इसमें दो बेलन ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे मारेंगे और ये हमारा बेला जाएगा, क्योंकि सुहाली हमारी खूब पतली अच्छी नहीं लगती है। अब हम एक फोक लेंगे और फोक के सहायता से इसमें हम इस तरह से थोड़ा छेद छेद कर देंगे। छेद छेद करने से हमारा सुहाली जो है वो बहुत क्रिस्पी बनेगा, जब इसे हम फ्राई करेंगे तो इसके अंदर तक इसमें तेल जाएगा, जिससे बहुत अच्छा बहुत क्रिस्पी बनेगा। सब में इसी तरह से हम छेद कर लेंगे। इतने सुहाली को बेलकर मैंने देखिए इसमें छेद कर लिया है, बाकी सबको भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लें। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें एक एक सुहाली हम डालेंगे। सुहाली को जोड़नी है, आप रेस्ट भी करने के लिए दे सकती हैं, जैसे कि अगर आप सुहाली बेल ली हैं और आपको और कुछ काम करना है तो आप इसे घंटे दो घंटे बाद भी उतार सकती हैं और हाथों हाथ बेल के भी उतार सकती हैं। तो तेज आँच नहीं रखना है, अभी लो फ्लेम पे ही हम डाले हैं इसको। अब इसे थोड़ा सा केवल घुमा देंगे और घुमा के इसे छोड़ देना है, अभी इसे कुछ भी पलटना नहीं है, बस इसी तरह से इसे रहने देना है। इसे लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे सुनहरा होने तक इसे तलना है। अगर तेज़ फ्लेम कर देंगे तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से ये हमारा कच्चा रहेगा। बीच बीच में इसे थोड़ा घुमाते रहेंगे, एक जगह अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे से लाल हो जाएगा, जल जाएगा। थोड़ा इस तरह से घुमाएंगे लेकिन पलटना इसे अभी नहीं है। ये मसाला सुहाली खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आपको थोड़ा थोड़ा फील हो कि हल्का ये कड़ा है तो अब इसे हम आराम से पलट सकते हैं, तो इसे आप पलट दीजिए। सारे को हम पलट देंगे। फ्लेम हम लो और मीडियम के बीच में रख लेंगे। अब हर वक्त इसको चलाते नहीं रहना है लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में हम इसे थोड़ा इस तरह से हिला लेंगे। सुहाली हमारा देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है, इसमें गोल्डन कलर आने लगा है। अब इसे हम निकाल लेंगे। कितना अच्छा इसका कलर आया है। हमारा मसाला सुहाली बन के तैयार है, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।